हमको जो सुन लेंगे भागेंगे, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सुन लेंगे बस। हम उसको पता नहीं करना चाहेंगे कि यार ये तथ्य कहां से लिया गया है। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा, तो पेड़ के नीचे बैठा तो एक खोपड़ी पड़ी हुई थी इंसान की, ऐसे मजाक सूझा उसको, तो उसने उस खोपड़ी से पूछा, और भाई क्या हाल है? खोपड़ी ने कहा ठीक ही है। आदमी वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि खोपड़ी बोली, इंसान की खोपड़ी। तो उसने फिर पूछा कि आपकी ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा बकवास करने से। उसने लगा यार खोपड़ी तो बोल रही है यार, वो भगा, राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि सरकार जंगल में खोपड़ी देखी जो बोल रही है। राजा ने कहा यार जाओ दिमाग मत खराब करो, हटो यहां से। कहा सरकार मेरी हिम्मत, मैं आपसे मजाक करूं? मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूं सरकार। राजा ने कहा बेटा चल तो रहे, लेकिन अगर खोपड़ी ना बोली तो तुम्हारी भी काट के बगल में रख देंगे। आरे उसने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बात करके आया हूं, आप काट दीजिएगा। राजा ने कहा चलो, जब ये इतना कॉन्फिडेंट है चलो। गए खोपड़ी के पास, उस आदमी ने उस खोपड़ी से पूछा कि और भाई क्या हाल है? खोपड़ी चुप। उसने हिलाया डुलाया खोपड़ी को कि भैया अभी तो तुम मुझसे बात कर रहे थे, चुप। अरे कहा भैया बोलो भैया, चुप। राजा ने कहा इसकी भी गर्दन काट के बगल में रख दो। सिपाहियों ने गर्दन काट के वहीं बगल में रख दी, चले गए। फिर जब सब चले गए तो उस खोपड़ी ने उस शिकारी की खोपड़ी से पूछा कि तुम्हारी यह दुर्गति कैसे हुई? कहा बकवास करने से। यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या बंगाली, क्या बिहारी, क्या सबकी, यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं। दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, और ये गर्दनें कट क्यों रही हैं? बकवास करने से।